दोस्तों बात करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल के अंतर्गत पेमेंट स्टेटस के बारे में, ठीक है। कि आपको कैसे पता चलेगा कि पेमेंट मेरा आया कि नहीं आया, स्टेटस कैसे चेक करेंगे, क्या इस पोर्टल पे स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन दिया गया कि नहीं दिया गया। तो इस वीडियो बन रही है, तो सबसे पहले पोर्टल पे चलाएंगे, ठीक है। पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो आपका पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जब पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए, जमाकर्ता पंजीकरण हो गया, उसके बाद जमाकर्ता लॉगिन हो गया। पोर्टल पर आएंगे तो आपका इस तरह से है ना ऑप्शन दिखाई देगा, बट यहाँ पर पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर नहीं दिएगा ऑप्शन, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे आपका पेमेंट स्टेटस को कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए नीचे जो बताया कि जब आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है, तो फॉर्म भरने के बाद आपका 30 दिन के भीतर, ठीक है, यानी 30 दिन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे आपका 15 दिन के अंदर आपका, ठीक है, मोबाइल पर SMS आ जाएगा, ठीक है। और SMS आने के बाद उसके बाद अकाउंट पे आपको पैसा भेज दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी अप्लीकेशन को स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, कि आप लोग पेमेंट को स्टेटस को चेक कर सकते हैं। बट आप लोग जो आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ये आपको जो ये जो अनुरोध संख्या मिल रहा है, ठीक है, ये वाला जो आपको अनुरोध संख्या मिला है इसको है ना आपको रखना है, इसको प्रिंट करके रख लेना है, ठीक है। ये आपको रसीद को प्रिंट करके रख लेना है ताकि आपको भविष्य में कभी भी अगर जो पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक, अनुरोध संख्या डाल के यहाँ पे अप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं या पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, जैसे इसका अप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन आएगा या पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन आएगा, तब इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।